के माध्यम से भागलपुर के सभी लोगों को और आपके क्षेत्र के सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से दुर्गा पूजा और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। आशा करता हूँ कि सभी की सभी मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूरी करें। मैं संपूर्ण भागलपुर वासियों, बक्सर, बिहार, सभी देश के लोगों को मैं महाअष्टमी का और दुर्गा पूजा का नवरात्र का बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। माँ भगवान से मंगलमय हो, सर्वमंगल मांगल्य, शिवे सर्वान शांति, सर्वे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मे परमं सुखम, रूपं देही, जयं देही, यशो देही, विशो देही। मैं डॉक्टर डीपी सिंह भागलपुर वासियों के लिए इस दुर्गा पूजा के अवसर पर स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि आप सुखी रहें, समृद्ध बने और अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहें। दुर्गा पूजा शक्ति का प्रतीक है, शक्ति की आराधना करता है माँ दुर्गा की, और शक्ति का सदुपयोग करें, कभी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करें। भगवान यदि ईश्वर आपको आर्थिक और शारीरिक शक्ति दिया है तो मैं समों से निवेदन करूंगा कि दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ है और उसी तरह से आप अपने माँ पिता का भी ख्याल रखें। भागलपुर शहरवासियों से अपील है कि आप ये दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर शांति और सद्भाव बरकरार रखते हुए और बाढ़ पीड़ित को भी ध्यान रखते हुए कुछ ऐसा कार्य करें कि जो इससे हमको कुछ बाढ़ पीड़ित को भी फायदा हो जाए। मैं यही अपील अपना भागलपुर से करता हूँ। मैं पूरे देशवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक दिल से बधाई देना चाहता हूँ तथा मैं सभी छात्रों से एवं अभिभावकों से एवं तमाम देशवासियों से, खास करके अंग जन प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों से मैं अनुरोध करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये दुर्गा पूजा के पर्व को सौहार्दपूर्वक एवं सद्भावना पूर्वक मनाएं। भागलपुर वासियों को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ महापर्व के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अपील करता हूँ कि खुशी, शांति, सद्भाव एवं भाईचारा के साथ यह त्यौहार आप लोग मनाएं। दुर्गा पूजा के इस अवसर पर सबों के घरों में सुख समृद्धि आए, शांति का वास हो और साथ ही साथ भागलपुर की समस्त जनता एवं नाथ नगर विधानसभा के समस्त जनता को दुर्गा पूजा की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि क्षेत्र की समस्त जनता सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा में आगे बढ़ेगी। तमाम बिहार वासियों को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे यहाँ तिहाई हिस्सा नाथ नगर विधानसभा में बाढ़ से लोग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बाढ़ प्रभावित इलाके में मैं जा कर घूम कर देखने का काम की हूँ। अपने पंचायत एवं प्रखंड वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर वासी एवं संपूर्ण अन्य क्षेत्र के छात्र, छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को सफल एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। मैं वासुकी नाथ यादव, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष कहलगांव, मैं अपनी तरफ से कहलगांव विधानसभा समेत पूरे देश, पूरे प्रदेश वासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार से अंगीभूत कुशल युवा कार्यक्रम पंजवारा की ओर से सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिला पासवान मुखिया ग्राम पंचायत पंजवारा पंचायत वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिव कुमार शाह मुखिया तेलोघा पंचायत सन्हौला की ओर से आप सभी ग्रामवासियों एवं जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुजीत कुमार प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सन्हौला की ओर से आप सभी ग्रामवासियों एवं जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुबोध पासवान दलित सेना उपाध्यक्ष प्रखंड लोजपा अध्यक्ष सन्हौला की ओर से आप सभी ग्रामवासियों और जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मंजर आलम मुखिया माधोपुर पथानी सन्हौला की ओर से आप सभी ग्रामवासियों एवं जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
मैं संतोष कुमार यादव, मुखिया लगमा पंचायत कहलगांव की ओर से आप सभी ग्रामवासियों एवं जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मुरलीधर सा थानाध्यक्ष पंजवारा आप सभी ग्रामवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं नीवा देवी, मुखिया सरदारपुर पंचायत, समस्त ग्रामवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं परीक्षित पासवान, थानाध्यक्ष वाराहाट, आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं पंकज कुमार यादव, वार्ड प्रतिनिधि धुआबे पंचायत, वार्ड संख्या 12 की ओर से आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।